सुजानपुर टेहरा में मुख्य बस स्टैंड की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती नजर आ रही है। आलम ये है कि एक बारिश के होते ही बड़े बड़े गड्ढों में पानी भर जाता है और यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है, लेकिन विभाग अधिकारी कार्यालय में बैठकर ही विकास का ढिंढोरा पीटते नजर आ रहे हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि जनता के लिए बनाए गए कार्यालय सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। ज्ञात रहे कि ये बस स्टैंड दो विभागों की पास होने के चलते बस स्टैंड की हालत दयनीय बनी हुई है। वहीं बस स्टैंड पर बैठने के लिए बनाए गए वर्षा शालिका से भी बरसात के दिनों में पानी अंदर टपकता हुआ नजर आता है, जिससे यात्रियों को बैठने के लिए उचित व्यवस्था भी नजर नहीं आती। ज्ञात रहे कि ये बस स्टैंड ठाकुर जगदीप चंद द्वारा मात्र बस स्टॉप के नाम से ही बनाया गया था, लेकिन 1990 से लेकर इस बस स्टैंड में ना तो यात्रियों के लिए बैठने के लिए उचित प्रबंध किया गया है, ना ही बस स्टैंड में बड़े गड्ढों को भरने की कवायद शुरू की गई है, जिससे लोगों में भी स्थानीय नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति रोष पनपना शुरू हो गया है। शहरवासियों में विकास, राजीव, विमल, रमन, अभिषेक ने मांग की है कि विभाग बस स्टैंड की हालत की सुध ले और इसका जीर्णोद्धार करने के लिए कदम उठाए, ताकि यात्रियों को और बाहर से आने वाले लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि इस बस स्टैंड से 100 से ज्यादा बसों के रूट चलते हैं।